मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें यह सिखाया जाता है कि आपके पास फॉर्मूलेस की कमांड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पे कमांड होनी चाहिए और आप मैथमेटिक्स में स्कोर कर लेंगे। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करेंगे और बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखेंगे जिनकी मैथमेटिक्स पे बहुत ज्यादा कमांड होती है, उन्हें फॉर्मूलेस भी याद होते हैं, उन्हें यह भी पता होता है किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट वो प्रैक्टिस के द्वारा मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स में अधिक से अधिक स्कोर करना है, फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको हर पेपर की तरह मैथमेटिक्स के लिए भी प्रेजेंटेशन स्किल को सीखना होगा। और अगर आप अपने पेपर को प्रॉपरली प्रेजेंट कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। देखिए बोर्ड एग्जाम में सबसे जो आप कहें टिपिकल सब्जेक्ट और सबसे ज्यादा नर्वसनेस हमें जिस सब्जेक्ट को लेकर के होती है वह है मैथमेटिक्स। कारण यह है कि हम मैथमेटिक्स को गलत तरीके से पढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चंस परीक्षा में कभी पूछे जाने वाले नहीं है, इसीलिए हमारे मैथमेटिक्स में अंक बहुत कम आते हैं। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप मैथमेटिक्स के पेपर को किस तरह से अपने एग्जाम में प्रेजेंट करें जिससे कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स में ध्यान देना है कि आप जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें उसकी मार्किंग बहुत सही करें और उसके जो सब पार्ट्स हो उनको आप आंसर को, कहने का मतलब उनके क्वेश्चंस को जो नंबरिंग करें वो बहुत सही करें। सबसे ज्यादा समस्या हमारे साथ नंबरिंग को लेकर के आती है। कई बार हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर लिखना ही भूल जाते हैं या फिर उसके सब पार्ट्स को छोड़ देते हैं, तो आपका एग्जामिनर कैसे जानेगा कि आपने किस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कौन से क्वेश्चन का सब पार्ट आपने सॉल्व किया है। अगर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 1, 2, 3, 4 ये चार पार्ट है, चार भाग है, और इसमें अगर आपने मार्किंग नहीं की या आपने ऊपर नीचे कर दिया, आपको फोर्थ पार्ट पहले आ रहा था, आपने फोर्थ पार्ट पहले लगा दिया, आपने फिर सेकंड पार्ट लगाया, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, और अगर आपने मार्किंग से स्पेसिफाई नहीं किया तो आप इसका खामियाजा अपने एग्जाम में भुगतेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें सबसे पहले करेक्ट मार्किंग करने का जरूर आप प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कॉपी बहुत आसानी के साथ एग्जामिनर चेक कर पाएगा, उसको पढ़ पाएगा। दूसरी बात का ध्यान रखें, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो आप कोशिश यह करें कि उस आंसर को बहुत सही तरीके से लिखें। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसका उत्तर आपका सही आ गया तो आप कोशिश करें कि आप उस आंसर को एक बॉक्स में पुट करें जिससे कि एग्जामिनर का ध्यान आपके बॉक्स पर जाए और आप ये देखो कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कितनी अच्छी है, एग्जामिनर के माइंड में ये चीजें उसे इंप्रेस करें, ताकि अगर आपसे कुछ गलतियां भी हो गई हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हुई हैं, तो एग्जामिनर उन्हें निगलेक्ट करके आपको नंबर दे करके आगे बढ़ जाए और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, आप लोग मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा कमी होती है नीटनेस और क्लीननेस की। कारण यह होता है कि हम कई बार सवाल को सॉल्व करते हैं और वह सवाल हम सही सॉल्व नहीं कर पाते, कहने का मतलब उन सवालों का हम सही जवाब नहीं दे पाते, तो हम उसमें जो भी गलत आता है उसको बहुत ज्यादा काटने का प्रयास करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप पहले तो कोशिश ये करें कि आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है आप अपने नोटबुक के साइड में एक रफ के लिए बॉर्डर लाइन बनाएं, उसमें लिखें और पेंसिल से रफ करें। ऐसा ना हो कि आप उसको पेन से लिखने के बाद, या फिर अगर आप पेन से कर रहे हैं तो पेन से लिखने के बाद उसको एक हल्का सा क्रॉस करके आगे बढ़ें, जो आपका सॉल्यूशन वाला एरिया है जहां पर आप अपनी फियर यानी कि जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वहां पर कोशिश करें कि कटपीट ना हो, नीटनेस और क्लीननेस यह हर एग्जामिनर अपने कॉपी में चाहता है, ताकि उसको पढ़ने में अच्छा लगे, उसको यह लगे कि आप सवाल में आपने अपनी पूरी आत्मा झोंक दी है, आपने अपना बेस्ट लगा दिया है एग्जामिनर से नंबर लेने के लिए। बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स का ऐसा पेपर सॉल्व करते हैं जैसे लगता है कि वो बोर्ड पर अपने एग्जामिनर पर एहसान कर रहे हैं और पेपर प्रेजेंटेशन स्किल उनकी जीरो होती है। उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उस नॉलेज से आपका एग्जामिनर आपसे इंप्रेस नहीं होता। एग्जामिनर यह देखता है कि आपने अपने 3 घंटे का किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है, कौन कौन से ऐसे काम आपने किए हैं जो और कॉपियों में देखने को नहीं मिलते। यहीं पर आपको एग्जामिनर का दिल जीतना है, और अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में भर भर के अंक मिलने वाले हैं, इसमें कोई भी दोरा नहीं है। अगली बात जो आपको ध्यान देनी है वह यह है कि देखिए जब आप किसी भी ग्राफ वाले क्वेश्चन को
या फिर आप डायग्राम वाले क्वेश्चन को करते हैं तब आपको बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना है। देखिए, जब आप ग्राफ वाले क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे ज्यादा गलती हम करते हैं कि जिस क्वेश्चन में ग्राफ होता है उस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं, लेकिन जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम ग्राफ वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर स्पेसिफाई नहीं करते। और यह मिस्टेक बहुत सारे बच्चे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे इस मिस्टेक को करते हैं कि उनको यही पता होता कि जब उन्होंने ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व किए तो कौन सा क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया है। तो जब आप ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान इस बात का देना है कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन नंबर को, पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर को, पार्ट को भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। साथ ही साथ जब आप ग्राफ बनाएं तो स्केल का ध्यान रखें कि आपने एक यूनिट का मान कितना लिया है, कौन सी क्वांटिटी में आपने मान लिया है, कौन सी वैल्यू आप ले रहे हो, ये जरूर स्पेसिफाई करिए। साथ ही साथ दोनों एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट और ओरिजिन, आपकी तीनों बहुत अच्छी स्पेसिफाई होनी चाहिए। ग्राफ बनाए पेन का यूज कभी नहीं करेंगे आप, सिंपल अच्छी आपकी HB पेंसिल होनी चाहिए, शार्पन पेंसिल होनी चाहिए। ग्राफ आपकी क्लियरली विजुअल होनी चाहिए, ग्राफ बिल्कुल इस तरह से बनी हो जैसे ही जानवर आपकी ग्राफ देखे, बस आपका थोड़ा बहुत ग्राफ देखने के बाद उसको लगे कि हाँ आपने ग्राफ को बहुत सही तरीके से बनाया है और आपको उस क्वेश्चन में पूरे के पूरे अंक वहां पर मिले। अगली बात का जो ध्यान रखना है वो यह है, आप अपनी जब ग्राफ ट्राई करते हैं, जब आपका कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो अपने ग्राफ के पेपर को हमेशा आप एंड में कभी मत टाई करें। जो भी ग्राफ आप टाई करते हैं नोटबुक के बीच में होल करने के बाद थ्रेड से उसे बांधें, और ऐसा ना करें कि आप कॉर्नर पे ग्राफ बांधें या फिर स्टार्टिंग में बांधें, क्योंकि जब आपकी कॉपियां एक साथ जाती हैं तो हो सकता हो रखने में, इधर उधर करने में आपका ग्राफ निकल जाए और आपके मेहनत किए हुए उस ग्राफ पर कोई भी ध्यान ना दे, वो निकल जाए और आपको अंक ना मिल पाए। इसलिए जब भी ग्राफ लें उसको बीच में आप अच्छे से टाइट उसको टाई कर दें, और जैसे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ग्राफ सेफ होगी, आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलने वाले हैं। अगली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी ज्योमेट्री के पेपर में, यानी कि जो ज्योमेट्री का सेक्शन होता है। देखिए, ज्योमेट्री का जो सेक्शन है उसमें आपको करना ये है कि आप जो भी डायग्राम बना रहे हैं उस डायग्राम को बहुत नीट एंड क्लीन बनाइए, और जैसा पेपर में बना है तो उसके जो पार्ट एजेस हैं उनको स्पेसिफाई करिए, जैसे ABCD, अगर कोई क्वाड्रेटरल आ गया आपके सामने तो बहुत सही तरीके से जैसा पेपर में बना है उस तरह से आपको स्पेसिफाई करना है। उसकी सबकी लेंथ जो भी दी होगी विथ यूनिट्स, ये ध्यान रखिएगा, पूरा अगर आप स्पेसिफाई करते हैं आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, पेन का यूज मत करिएगा। बिल्कुल डायग्राम के लिए हमेशा पेपर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप पेंसिल का यूज करिए, पेन डायग्राम बनाने के लिए उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आप पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करें जिससे कि एग्जामिनर आपके अंदर कोई कमी ना देख पाए और आपका नंबर ना काट पाए, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा पेपर है जिसके लिए हर बच्चा बहुत मेहनत करता है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन स्किल को जोड़ लेते हैं तो ये आपके अंकों को इतने अच्छे से बढ़ा देगी कि आप पूरी तरह से पेपर में सेटिस्फाई रहेंगे। अगली बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा गलती होती है मैथमेटिक्स में वह है कि आप स्टैट्स में जब काम करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स जो ऐसा टॉपिक है जिसमें टेबल्स आते हैं उसमें आपको इन टेबलों को बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। जो भी चीज है सेपरेबल लाइन, क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्या क्वांटिटी दी गई है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीजें अच्छी सेपरेटिव लाइन से आप पेंसिल के साथ पूरे टेबल को बनाएं, उसमें डाटा फिल करें, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगली बात ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसका एक प्रॉपर मेथड होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको गिवन क्या है, फिर आपको निकालना क्या है। तो पहला स्टेप आपका आया गिवन, दूसरा आया टू फाइंड, और तीसरा फॉर्मूला अप्लाइड। जो भी फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले को आप लिखेंगे, फॉर्मूले में कौन कौन से सिंबल का क्या मतलब है, आप सारी चीजें लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे, पुटिंग द वैल्यू करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, आंसर को अपने बॉक्स में पुट करेंगे, और एक बार वहीं पर आपको फिर चेक करना है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब आप आंसर लिखते हैं तो अगले क्वेश्चन के लिए एक या दो लाइन छोड़ करके एक बॉर्डर लाइन खींचिए, फिर अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। ऐसा ना हो कि आप एक ही क्वेश्चन को बार बार कहने का मतलब लाइन ना छोड़ें तो एग्जामिनर यह ना स्पेसिफाई कर पाए कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या है। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आपको बहुत आसानी के साथ आप पेपर में स्कोर करोगे। अगली बात जो ध्यान रखनी है, जब आप पेपर को सबमिट करते हैं तो पेपर को सबमिट करने से पहले एक बार पूरे पेपर को क्रॉस चेक करें कि आपका कौन सा क्वेश्चन छूटा नहीं है, कौन से क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं। ये सारी बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैथमेटिक्स के पेपर में आप पूरी तरह से आप झंडा गाड़ेंगे और किला फतह करके आएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर मैथमेटिक्स में कैसे स्कोर करें, तो आज की मेरी वीडियो यही थी कि मैथमेटिक्स में पेपर को अपने कैसे प्रेजेंट करें और कैसे एग्जामिनर से अधिक नंबर आप ले पाएं। उम्मीद है
है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।